Mulia. What are you doing? What is this? ये सिसिफस के आफ्टर लाइफ की कहानी है कि वो एक पत्थर उठा के ले जाता है पहाड़ पे और फिर वो अपने आप गिर जाता है। अच्छा, so you are imitating Sisyphus, but do you want to tell me the story of Sisyphus once again? Sisyphus ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है और उसको ये आफ्टर लाइफ का शाप है कि भाई वो एक पत्थर को उठाकर माउंटेन पे डालेगा और वो अपने आप जो जीएस है, जो गॉड ऑफ ग्रीक गॉड है, मेन गॉड है, उन्होंने वो क्या करते हैं कि वो पत्थर को माउंटेन से गिरा देते हैं। सिसिफस को एक काम है कि भाई उसको पत्थर से श्राप क्यों दिया। सिसिफस एक बहुत ही धूर्त और चतुर कैरेक्टर माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी का। तो उसने एक बार कोई बदमाशी की जीएस के साथ, तो जीएस ने मृत्यु को कहा कि भाई इसको बांध के पहाड़ के नीचे रख दो, तो रख दिया। तो सिसिफस थोड़ा चतुर था, उसने मृत्यु को कहा कि यार तुमने रस्सी बांधी कैसे हमको। तो टेरेंटोस जो मृत्यु का देवता, तो दिखाने लगा, तो सिसिफस ने उसी को बांध दिया। अब धरती पे कोई मरे ही नहीं। तो फिर एरिस आए, उसने मृत्यु को छुड़ाया। तो सिसिफस को पता था कि अब तो हमको मृत्यु दंड मिल जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को चौराहे पे फेंक देना, अंतिम क्रिया मत करना। तो जब ऊपर गया, मतलब मरने के बाद, तो उसकी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, क्योंकि भाई उसकी लाश जली नहीं थी, अंतिम संस्कार हुआ नहीं था। तो देवता समझ गए कि यार ये मतलब उनको वापस भेजना पड़ा, और वापस की जगह कि जाके मैं अपनी पत्नी को सजा दूंगा क्योंकि उसने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। उसने ये कहा स्वर्ग में। तो मजबूरन उसको भेजना पड़ा। उसके बाद सिसिफस अपना जीवित रहे जितने साल उनको जीना था, और फिर बाद में उनकी मृत्यु हुई। तो जीएस ने उसको मृत्यु के बाद का हिसाब दिया कि आफ्टर लाइफ में तुमको ये बड़ी सी चट्टान या पत्थर जो तुमको इस माउंटेन पे रखना है। अब वो जैसे ही माउंटेन पे पहुंचा देता है उधर से जीएस अपना। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डूइंग द सेम थिंग रिपीटेटिवली? इसके दो तीन वो हैं। एक तो ये है कि भाई जो धूर्त कनिंग और चालाक लोग होते हैं उनके साथ जीवन में यही होता है। एक दूसरा जो सबसे फेमस है वो कामू का है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की। लाइफ फ्यूटाइल है, आप करते हैं और फिर वो